हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कल हमने कर लिया हमारा जो एडमिशन ऑफ आ पार्टनर था, उससे रिलेटेड हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ आ पार्टनरशिप फ्रॉम रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ आ पार्टनर। जब रिटायरमेंट और डेथ होती है तो उस केस में हम जो रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म का, आज की क्लास में हम करेंगे उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, और कल की क्लास में करेंगे इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मेंट बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए, आपको ये तो पता चल गया होगा रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस किस लिए हम रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम करें कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स द लीविंग द पार्टनरशिप फर्म बाय अ मेंबर। जब कोई भी मेंबर किसी फर्म को छोड़ के जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है कि कौन पार्टनर कितने साल तक रहेगा, कब उसे जाना है, पार्टनर के कंसर्न से तो कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है बेटा, आगे देख, हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम फर्म। अब देखिए, कोई पार्टनर रिटायर कैसे होता है फर्म से। अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम फर्म विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। जब सारे पार्टनर्स होते हैं वो आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करके अपनी कंसेंट राय दे के ही किसी पार्टनर का क्या किया जाता है, रिटायरमेंट किया जाता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन द फर्म। फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। देयर इज़ अ चेंज इन द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। ठीक है, पार्टनर्स का जो रिलेशन होता है वो चेंज हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म का हमें क्या करना पड़ता है, रिकन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, स्टेट एनी टू राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। टू राइट्स बताए कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या राइट्स होते हैं। तो राइट टू गेट हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, राइट टू रिसीव हिज कैपिटल एंड शेयर इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए, जब तक वो पार्टनर फर्म में है, जब तक जितना भी प्रॉफिट होगा और जितना उसका हिस्सा होगा तो उसको वो राइट होता है अपना हिस्सा लेने का, और जब तक वो रिटायरमेंट के टाइम तक जितनी भी गुडविल होगी तो उस गुडविल में भी उसका हिस्सा, उसको क्या लेने का क्या होता है, राइट होता है। किसको, रिटायरमेंट पार्ट, रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर लायबल फॉर फर्म्स ट्रांजेक्शंस बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो यस भाई, होता है उसका। ठीक है, इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर लायबल फॉर फर्म्स ट्रांजेक्शन इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद देखिए, उसका कोई भी फर्म के अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर वो लायबल नहीं होगा किसी भी प्रकार से, लेकिन जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता है तो उससे पहले जितने भी हमारे वो होंगे फर्म में तो उसके लिए वो ये लायबल रहेगा, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट नो आ जाएगा। ठीक है, स्टेट एनी टू मैटर्स व्हाट नीड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हमें क्या क्या रिटायरमेंट के टाइम क्या नीड होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज मेंट बाय न्यू प्रॉफिट रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। के टाइम पे न्यू रेशियो का क्या मतलब होता है। द न्यू प्रॉफिट रेशियो मीन्स द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पर न्यू रेशियो का क्या मतलब है भाई, जो न्यू रेशियो होती है उस रेशियो के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर जो फर्म के अंदर अभी बचे हैं तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। आगे देखिए, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स। द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नेसेसरी बिकॉज the remaining partners gain some portion of the retiring partner's share in profit। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, मैं जानती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन मेरा आपको ये करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको लिखने का तरीका है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या आपको प्रोसेस अप्लाई करना है आंसर लिखने का, जिससे कि आपको कंप्लीट 1 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिले, जो ये क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रखी होगी ना, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको ईजिली कर सकते हो। लेकिन एक लिखने का तरीका होता है कि कैसे कोई आप इसको आंसर को अटैम्प्ट करें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन करा रही हूँ, वरना इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हार्डली 7 to 8 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको भी पता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा आपको इनको करके देखना है। इससे आपका क्या है, ये करोगे तो आपकी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे भी पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कैसे क्या कैलकुलेट करना है क्या करना है, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेटेड एट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्या हो जाएगा भाई, न्यू प्रॉफिट रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर जो रह गए अब उनकी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैश निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में क्या प्लस कर देंगे, गेनिंग रेशियो प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। आगे देखिए भाई, इफ़ नथिंग इज़ मेंशन अबाउट द गेनिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, वट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है ना पार्टनर्स की, वही क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। जैसे हमने सेक्रीफाइस में किया था ना, कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है सेक्रीफाइस रेशियो से रिगार्डिंग, तो पार्टनर्स की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती थी वही क्या हो जाती थी, हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती थी। तो ऐसे ही ओल्ड पार्टनर की इसमें क्या हो जाएगी, वही रेशियो हो जाएगी ओल्ड, अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ ना बता रखा हो। ठीक है, डिफाइन गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज़ द रेशियो इन विच द पार्टनर्स गेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। जब पार्टनर को गेन होता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म के टाइम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। गिव टू सरकमस्टांसिस इन विच गेनिंग रेशियो इज़ अप्लाइड, तो गेनिंग रेशियो कब अप्लाई की जाती है भाई, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, जब भी अगर फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर आता है, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन जब रिटायरमेंट या फिर डेथ का केस होता है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको क्या होता है, गेन होता है, तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है सिर्फ, क्योंकि एडमिशन के टाइम क्या आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो अपना हिस्सा ही तो देंगे ना न्यू पार्टनर को, तो इसलिए वो सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर चला जाएगा, उसका हिस्सा भी कौन ले लेंगे अब, जो ओल्ड पार्टनर्स है, तो उनको क्या होता है, गेन होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाउ इज़ गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड, तो आपको पता है गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे, तो हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। व्हेन इज़ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट प्रीपेड, देखिए ये क्वेश्चन अपने मैंने पहले करवाया हुआ है आपसे, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं, ये मैंने किसी क्वेश्चन में करवाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में शायद आपको। ठीक है, आगे देखिए, वाई इज़ गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड, अब आ गया भाई, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों की जाती है, तो गेनिंग रेशियो इज़ कैलकुलेटेड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुड बिल पेबल टू रिटायरिंग और डिक्रीज्ड पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग रेशियो बेटा इसलिए निकाली जाती है, क्योंकि जो हमारा जो रिटायरिंग या फिर डेथ वाला जो पर्सन है, उसको हमें गुडविल देनी पड़ती है, गुडविल का जो हिस्सा देना पड़ता है, जो ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो अपनी गेनिंग रेशियो के अंदर उसका हिस्सा देंगे, तो इसीलिए क्या निकालते हैं हम, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, बी रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज टू 3:1, स्टेट द गेनिंग रेशियो। अब देखिए, इसमें ये नहीं बताया कि गेम वो किस तरीके से उनको दे रहा है या कैसे क्या है, ओनली ये दे रखा है, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो ही हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, उनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। 3 किसकी है, ए की, सी की कितनी है बेटा, 1, तो 3:1 ही सेम क्या हो जाएगी, उनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्यों ज़रूरत होती है, तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर्ड बाय हिम इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ईजी था ये तो बिल्कुल। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3, देयर कैपिटल्स वर 40, 50 and ₹1 lakh रिस्पेक्टली। स्टेट द रेशियो इन विच द गुडविल ऑफ द फर्म्स अमाउंटिंग टू ₹1,20,000 विल बी एडजस्टेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ आर, तो आर शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे बेटा, आर शेयर ऑफ गुडविल 30,000 निकल के आएगा। ठीक है, 1,20,000 का निकालेंगे, अब रेशियो से देखिए 3/12 कितना बन जाएगा, 12, 3/12 बन जाएगा इसका,
तो 1,20,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। तो आर का शेयर कितना है भाई, 30,000 है, विच इज़ टू बी कंट्रीब्यूटेड बाई पी एंड क्यू इन द गेनिंग रेशियो 5:4, क्योंकि अब इनके बारे में कोई गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो जो ओल्ड रेशियो है उनकी वही क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। आगे देखिए, विच अमाउंट इज़ प्रिपेयर टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्या बनाते हैं हम, क्या प्रिपेयर करते हैं सारी चीज़ें शो करने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। मोहन रिटायर हो गया है। हिज शेयर वॉज टेकन ओवर इक्वली बाय राम एंड सोहन। उसका जो हिस्सा है वो कौन लेगा, राम और मोहन, सोहन इक्वल इक्वल लेगा। ठीक है, इन विच रेशियो विल द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मोहन बी ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ मोहन विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इंक्लूडिंग मोहन इन देयर ओल्ड रेशियो। देखिए, यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो में मत सोचना बेटा, ये मत सोचना आपने दिख गया कि इक्वल ले रहे हैं राम एंड सोहन, लेकिन देखिए जो पार्टनर जा रहा है मोहन जा रहा है, लेकिन जो रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो जो रिवैल्यूएशन होगा वो तब तक होगा ना, मोहन के रिटायरमेंट तक, तो मोहन को भी अब उस प्रॉफिट या फिर लॉस का हिस्सा मिलेगा। तो वहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे जो आएगा, तो वो उनकी ओल्ड रेशियो में मिलेगा और तीनों पार्टनर्स में मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी तीनों पार्टनर्स लेंगे, लॉस होगा तो भी तीनों पार्टनर लेंगे। ठीक है बेटा, ये CBSE 2010 में आया था ये क्वेश्चन। बच्चे इस चीज़ को देखकर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना वो इक्वली लिख के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, Why is revaluation account prepared at the time of retirement of a partner? Revaluation account क्यों बनाया जाता है? The revaluation account is prepared at the time of retirement of a partner to record the changes in the value of assets and liabilities. ये same हम admission में करके आए थे, ये same ऐसे हमें retirement में करना है। ठीक है, कुछ कुछ concept change हो जाते हैं और कुछ नहीं है। Revaluation account बताओ अभी आप, क्या होता है revaluation account, बताया है ना मैंने आपको, फटाफट recall करो अपने mind में। आगे देखिए, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी देयर इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कम्स आउट ₹60,000। सी इंसिस्ट्स दैट अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शुड बी ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल्स, वाइल ए एंड बी इंस्टिक्ट दैट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शुड बी क्रेडिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली, हुज कंटेक्शंस इज करेक्ट। देखिए, सी कहता है भाई हम जो हमारा ये प्रॉफिट निकल के आया है इसको तीनों पार्टनर लेंगे, लेकिन ए और बी कह रहे हैं नहीं भाई ये तो वो पार्टनर लेंगे जो अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए किसकी बात करेक्ट है, सी की बात करेक्ट है, क्योंकि सी को बेटा राइट है कि जब तक वो फर्म में रहा है तब तक जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए सी की कंटेंशन क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए, छवि वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, देयर इज़ अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹6,000। छवि वॉन्ट्स दैट इट शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, वाइल रिमेनिंग पार्टनर्स निधि एंड मीनाक्षी वॉन्ट दैट जनरल रिजर्व शुड बी रिमेन इंटैक्ट टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसीज, हुज कंटेक्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर भी भाई छवि ठीक है, क्योंकि जब तक वो फर्म में रही है तब तक उसके रिगार्डिंग जितने भी रिजर्व होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उसमें सबका उसका हिस्सा है, तो उसको मिलेगा। ठीक है, How are profit estimated from the date of the last accounting year to the date of death of a partner? तो on the basis of time और on the basis of sales। ठीक है, दो तरीक़ों से find करते हैं हम। State any two deductions that may have to be made from the amount payable to the legal representative of a deceased partner। तो क्या क्या deduction करते हैं भाई हम, drawing deduction करते हैं, share of accumulated जो losses होते हैं वो deduct करते हैं। ठीक है, आर एस एन टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 आर डाइड ऑन 1 January 2012। टी द सन ऑफ आर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज द राइटफुल ओनर ऑफ हिज फादर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म बी शेयर बिटवीन एस एन टी इक्वली, एस इज नोट इन द फेवर, सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन एस एन टी विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर देखिए भाई, टी करेक्ट, टी इज़ नॉट करेक्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1। इसका मतलब ये देखिए, वो टी पार्टनर है ना फर्म में, अभी टी पार्टनर है, ठीक है, तो टी पार्टनर है, तो इसका अगर वो आर का बेटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आर
डाइड हो गया तो उसका सारा हिस्सा टी को मिल जाएगा, नहीं, वो भी एज अ पार्टनर है ना फर्म में, तो जो एसेट और टी है, जो उनकी रेशियो है ना 2:1, तो वो ही रहेगी बेटा, उसी के अंदर क्या मिलेंगे उनको, जो भी उनका आगे जो प्रॉफिट होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1 ही रहेगी, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2:1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे बेटा हमारे शॉर्ट आंसर सारे, लेकिन अभी रहते हैं मेरे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लेना। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, सारे वेज आपको पता है कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फटाफट ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट।